कक्षा द्वितीय के भैया बहनों सुप्रभातम। संस्कृत में त्रयोदशा पाठा यानी तेरहवां पाठा है। इसमें सह सा तत ये सर्वनाम शब्द हैं, इनका प्रयोग दिखाया गया है। जब पाठ आगे पढ़ेंगे उसमें आएगा। आज का अभ्यास क्रमांक है 41। शब्दार्थ सह वह, सह वह यानी ये है पुल्लिंग, ये पुल्लिंग के लिए आया है। सा वह ये स्त्रीलिंग, अगर लड़की है महिला है तो वो सा का प्रयोग होगा। और तत वह ये नपुंसक लिंग के लिए, कोई निर्जीव चीज है तो वहां पर तत का प्रयोग होगा। इस तरह से ये शब्दार्थ है, आप लोग लिखेंगे भी याद करेंगे। गर्जति माने दहाड़ता है, गायति, अब गायति जो है गायति माने गाती है, गायति माने गाती है या गाता है। चलति चलता है, चलती है, दोनों के उपयोग हो सकता है। लिखत लिखती है, लिखता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के उपयोग हो सकता है। पचति पकाती है, अगर खाना बनाने के लिए पचत शब्द का प्रयोग होता है। पतति गिरता है, अगर लड़की है तो गिरती है। और नृत्यति नाचती है, और लड़का अगर है तो नाचता है। इस तरह से ये शब्दार्थ हैं कुछ। इसके अलावा हार्ड कॉपी में मैंने लिखे हैं, तो सारे के सारे आप लोग उतार लेना और उनको याद कर लेना। इसके बाद फिर पाठ आगे बढ़ाएंगे। अभी इतना ही, धन्यवाद।